अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है और इसी के साथ शहर में तेजी से विकास कार्य भी हो रहा है, जिसके तहत शहर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी क्रम में अयोध्या में भव्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे, जिसका निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों का दौरा किया और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इसको लेकर जानकारी ली। गौरतलब है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी के तहत 30 दिसंबर को अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाना है, जिसके लिए ही पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। इसी दौरान वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रेलवे की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी उस दिन के बेस्टतम कार्यक्रम का रहेगा, उसमें वो प्रतिभाग करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ये शुभ घड़ियां हैं। जब 500 वर्षों से अधिक की त्याग तपस्या बलिदान त्यागों के बाद भगवान श्री राम लला का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर देश दुनिया और सृष्टि जिसका लोकार्पण का इंतजार कर रही है, उस क्षण को यादगार बनाने के लिए अभूतपूर्व क्षण और सौभाग्यशाली हम सब लोग कि हम लोगों के जीवन काल में ये शुभ घड़ी आई है। तो ऐसे शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत है उत्तर प्रदेश की धरती पर, और वो निश्चित रूप से जब आ रहे हैं तो बहुत सारी सौगात, बहुत तमाम सौगातें हम लोगों को दे के जाएंगे और प्रदेश को विकास की दृष्टि से भी ये अभूतपूर्व क्षण होंगे। रामनगरी में बने इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की भव्यता का अंदाजा आपको इन तस्वीरों से ही लग गया होगा और इसे नई अयोध्या का एक नमूना कहना गलत नहीं होगा, जिसमें आधुनिकता के साथ साथ हमारी संस्कृति का समागम दिखता है। एयरपोर्ट में जहां एक तरफ सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, वहीं उसे इस तरह से आकार दिया गया है जो राम की लीलाओं को दर्शाता है। एयरपोर्ट में पेंटिंग्स के जरिए रामायण के मुख्य दृश्यों को दिखाने की कोशिश हुई है, जिससे न केवल भारतीय बल्कि बाहरी देश से आने वाले यात्री भी राम की गाथा को समझ सके। इसके साथ ही एयरपोर्ट में बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनिंग भी की गई है।